वेलकम बैक। कैसे हो यार, दुनिया तबाह होने वाली है। नहीं, मैंने सोचा बता दूं वरना बाद में गाली दो कि इतना लेट क्यों आया। जब 1968 में दुनिया का आविष्कार हुआ था, इसे कई भागों में विभाजित किया गया था। जैसे कि तू लंबा है तो तू पंखा साफ करेगा, तू हट्टा कट्टा है तो तू अखाड़ा चलाएगा, तेरे में दिमाग ज्यादा है तो तू बल्ब बनाएगा, और तू तो काला है, चल तू पट्टी साफ कर ले। देखो, बकचोदी करने के लिए मेरे पास बहुत शब्द हैं क्योंकि मेरा काम है बकचोदी करना। लेकिन 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 बकचोदी रखो साइड में, पॉलिटिक्स रखो साइड में, डेवलपमेंट रखो साइड में, नई नई खबरें रखो साइड में, मूवीज एंड कार्टून रखो साइड में, फनी कॉमेडी वीडियोस रखो साइड में, सड़क टू रखो इस साइड में, ये सब छोड़ के दुनिया ये जानना चाहती है कि रसोड़े में कौन था। ये कोई नाजुक मुद्दा नहीं है, बहुत ही गंभीर केस है। सीबीआई की एक टीम ये भी पता कर रही है कि आखिर रसोड़े में था कौन। कुछ हो या ना हो, लेकिन यूनिटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुद्दा छोटा होता तो नेता लोग शामिल ना होते। रसोड़े में कौन है? रसोड़े मतलब रसोई में। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी तुम थी, कौन था रसोड़े में? ये एक न्यूज चैनल है, देखो ऊपर कोने में लिखा हुआ है न्यूज चैनल। सब कुछ छोड़ो, सब छोड़ो, मुद्दा देख रहे हो, और सबसे ज्यादा तरस तो मुझे इस बंदे पे आ रहा है। तीने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूँ, देखिए ये राहुल ही राशि है। इस बंदे ने कभी ये सोच ही नहीं था कि न्यूज चैनल पे भी ये बकचोदी हो सकती है, तभी तो इसका रिएक्शन देखो जरा। तीने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूँ, देखिए ये राहुल ही राशि है। ऐसा लग रहा है सनी देओल की मूवी चल रही है और वो बस कातिया की गांड मिलन देने वाला है। ये न्यूज चैनल है, इन्हें शॉकिंग कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया गया है, पर इन्हें क्या पता था कि कार्टूनी दुनिया बस डिज्नी तक सीमित नहीं है। अब भोसड़ी के हमसे ज्यादा कॉमेडी तो ये नेता लोग कर देते हैं। और पात्रा जी यार, आप अपना काम कीजिए ना, क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हैं? ये कॉमेडी वॉमेडी हमें ही करने दो, अपना सरकारी काम देखिए। लौड़ा का सरकार है। जब मैं झाट भर का था ना, तब से लेके आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बकचोदी कभी नहीं देखी। पता नहीं ये 2020 और क्या क्या दिखाएगा। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहां कौन था? मैं थी तुम थी कौन था? पूछा गोपी से जा रहा है, लेकिन बताने की चुल भारत के हर नागरिक में, इसी को तो कहते हैं यूनिटी। खैर, यूनिटी की पावर तो इस वक्त सिर्फ दो ही लोगों को समझ में आ रही होगी, एक यशराज और दूसरी आलिया। सीरियल्स में सास बहू को ऐसी ऐसी बातों पे लड़ा देते हैं ना कि जैसे देखने वाले तो मार्स पे रहते हैं, उन्हें यहाँ के फॉर्मूले पता ही नहीं है। बाकी एक बात तो तय है, कोकिला बैन गॉट नो चिल। मैं थी तुम थी कौन था? अश्विन। देखो यार, वैसे भी जिस घर में एक सास और दो बहुएं होती है ना, उस घर में घमासान लगा रहता है, क्योंकि दोनों बहुएं की एक दूसरे से गांड जलती है और वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ती थी, इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। तो देखा आप लोगों ने, एक बहू ने दूसरी बहू को नीचा दिखाने के लिए कैसे कुकर से चने निकाल दिए ताकि उसे गालियां पड़े। मकसद दिखाना नहीं, मकसद बचाना है, इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। ये खतरनाक गैस फैलने की वजह से वो अंधी भी हो सकती थी, इसीलिए इस केस पर अब सीबीआई काम कर रही है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बैंक बैंक पिछले 10 दिन से रसोड़ा 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 में थम जाओ साला। अब तो सपनों में भी पता नहीं कौन आके कानों में एराशी। अभी तक तो चलो सोशल मीडिया ही ट्रेंडिंग का शिकार होता था, अब तो ये न्यूज वाले भी। मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लंदन में कत्ल होने के